जो लैंडिंग पेज से जो यूजर है वो डाइवर्ट भी नहीं होगा, आपका बाउंस रेट भी कम होगा। और डेफिनेटली अल्टीमेटली हम सबका यही गोल होता है कि हमारा यूजर जो है हमारी लीड में या सेल्स के अंदर कन्वर्ट। हेलो डिजिटल फैमिली, माय नेम इज शनूर अहमद, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एट 360 डिग्री हब। टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू रिड्यूस वेबसाइट बाउंस रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट का हीट मैप डाउनलोड कर लें। हीट मैप आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस के ऊपर आपका वेब आपका यूजर का इंट्रैक्शन कितना है। वो सारे आपको लेजर और फुटप्रिंट्स दे देगा और ये भी बता देगा कि वेबसाइट के ऊपर आपके यूजर ने इस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है और कौन से लैंडिंग पेजेस के ऊपर आपका यूजर गया है और वहां से बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो कम हो जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी लैंडिंग पेज का इंटरेक्टिविटी है। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज जो है वो यूजर को कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है और उस लैंडिंग पेज के अंदर यूजर इंटरेक्शन कितना ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैटर करती है। उसके बाद है वेबसाइट का लोड टाइम, वेबसाइट का स्पीड टाइम, ये कैसा है, आपने वेबसाइट कौन से सर्वर के ऊपर होस्ट की हुई है, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब वेबसाइट का लोड टाइम जो है वो आपके सर्वर के साथ रेंडर है, वो आप कहीं से भी सर्विस लेते हैं, अमेज़ॉन के सर्वर से लेते हैं या आप नेमचीप से लेते हैं, गोडैडी से लेते हैं, बहुत सारे सर्वर है जहां से आप अपनी वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग वगैरह लेते हैं, जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट हुई भी होती है, पड़ी भी होती है। अब इसके अलावा जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है उसके अंदर आप जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, ठीक है, या आपके कहने के इमेजेस वगैरह होती हैं, मेरी इसके अंदर सजेशन ये है वीडियोस हैं वो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करें इंस्टेड ऑफ दिस के वो आप अपने ही वेबसाइट के सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहे होंगे। वो डेफिनेटली उसका लोड टाइम ज्यादा होगा, उसका लोड टाइम तो कम होगा नहीं वहां से। अब जब एक्सटर्नल वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं या आप वीमियो के ऊपर अपलोड करते हैं, कहीं भी एक्सटर्नल उसके ऊपर अपलोड करेंगे तो वो उसके सर्वर से उनके सर्वर पे ऑलरेडी आपकी वीडियो अपलोड होगी, वहीं से आपका यूजर प्ले करेगा और वहां से जो है आपका वेबसाइट का लोड टाइम और ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लैंडिंग पेज जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी एड की जो है एफिशिएंसी मैटर करती है कि एड आपका कितना एफिशिएंट है और एड्स आपके कितने हाई परफॉर्मिंग है, ठीक है, वेदर वो फेसबुक के हों, गूगल एड्स के हों, लिंक्डइन के हों, कहीं के भी एड्स हों, ठीक है। तो ये एक टोटली मिथ है। मैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने 6 से 7 साल इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड रन किए हैं और हर इंडस्ट्री के लिए एड रन किया है, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और मेरी सजेशन इसके अंदर यही होती है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो हमेशा हाई परफॉर्मिंग रहना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर। और एक और बहुत बड़ी मिथ है कि आपका जो कीवर्ड गूगल एड्स के ऊपर यूज हुआ होता है वही आपका लैंडिंग पेज के अंदर यूज हो, ये बिल्कुल मिथ है। इसके ऊपर कोई भी ऐसी कोई भी जेन्युइन चीज नहीं है कि आप कह सकें कि वहां पर जो है मेरा जो कीवर्ड यूज हुआ होता है वो मेरा लैंडिंग पेज के अंदर यूज हुआ। कीवर्ड बेशक ना यूज हुआ हो लेकिन जो आपका यूजर क्लिक करके आ रहा है उसको पूरा एक्सपीरियंस वही रिक्वायर्ड हो, उसको वही वहां पर सारी इंफॉर्मेशन वही मिले जिसके लिए वो एक्चुअली फाइंड आउट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या किसी चीज के बारे में इंक्वायर कर रहा है, तो उसकी वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज लैंडिंग पेज में वो सारी डली हुई होनी चाहिए, ठीक है, कीवर्ड का होना यहाँ पर मैटर नहीं करता। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लैंडिंग पेज जो है वो हाई परफॉर्मिंग होना चाहिए, उसका मकसद ये है कि वहां पर आपकी रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड इमेजेस, रिलेटेड कॉन्टेंट और बहुत प्रिसाइज, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, प्लस आपके फॉर्म्स और आपके जितने भी CTAs हैं वो वहां पर प्रॉपरली मैंशन होने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लैंडिंग पेज से जो यूजर है वो डाइवर्ट भी नहीं होगा, आपका बाउंस रेट भी कम होगा। और डेफिनेटली अल्टीमेटली हम सबका यही गोल होता है कि हमारा यूजर जो है हमारी लीड में या सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। अब लैंडिंग पेज के अंदर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये आती हैं कि लैंडिंग पेज के अंदर हमेशा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए और टू दी पॉइंट डालनी चाहिए। वेबसाइट की जितनी सर्विस है वेबसाइट के सर्विस पेजेस अलग होने चाहिए, ब्लॉग पेजेस अलग होने चाहिए, लेकिन जो लैंडिंग पेजेस हैं वो अलग से हम बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन लैंडिंग पेजेस के अंदर
अब जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज के अंदर आपका फॉर्म होना चाहिए, आपका चैटबॉट होना चाहिए लैंडिंग पेज के अंदर, वीडियो होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए. अब ये सारी चीजें मिला के आपका एक कंप्लीट हाई इंटरेक्टिव लैंडिंग पेज बनाते हैं जहां से आपका यूजर जो है वो डाइवर्ट नहीं होता. अच्छा, अब जो लोड टाइम वाली बात है, वेबसाइट लोड टाइम जो है वो आप उसके लिए मैं एक आपको टूल रिकमेंड करता हूँ जो कि मैं खुद भी अभी तक यूज करता हुआ हूँ, हॉटजार. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा. वहां पर जो है वो आपसे प्रॉपरली बताएगा कि आपने कितने पेज व्यूज लेने हैं, कितना आपने कौन कौन सी लैंडिंग पेज का जो है वो इंटरेक्शन निकालनी है, वो सारे आपको लेजर पॉइंट्स आ जाएंगे. अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंग ना आप अपने लैंडिंग पेज को जो है वो ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि यार इस वीडियो के ऊपर तो मेरे क्लिक ही नहीं आ रहे, ठीक है, या इस इमेज के ऊपर तो मेरे ज्यादा क्लिक्स नहीं आ रहे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा यूजर डाइवर्ट हो रहा है और अल्टीमेटली वहां से मेरा बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. अब वहां से ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने लैंडिंग पेजेस को, उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर बिजनेसेस बहुत सारे जो है वो फॉल डाउन या कहीं भी कह लें कि उनका जो बाउंस रेट आता है या उनकी लीड्स नहीं आ रही होती, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वो अपने डेटे का एनालिसिस नहीं करते. एज सून एज जब हम अपने डेटे का एनालिसिस करते हैं, हमें वहां से चीजें जो है वो सारी क्लियर होती हैं, डिफाइंड होती हैं कि यहाँ पर ये चीज हमारी मिसिंग है, ये चीज होनी चाहिए. प्लस हमारा जो कंपेटिटर एनालिसिस है, हमेशा से मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता आया हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर बोला है कि कंपेटिटर एनालिसिस जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आप चीजें जो है वो बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से फ्लोट कर सकेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो चीजें चल पाएंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब इसके अंदर जो है कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में मुझे बताएं और डू रीच मी आउट एनी वेयर यू वॉन्ट. तो अब से पहले जो है वो लाइफ ऑफ शैनूर का चैनल यूज हो रहा था यूट्यूब, अब से ऑनवर्ड जो है वो 360 डिग्री आपके पेज के ऊपर और 360 डिग्री आपके चैनल के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड होंगी. तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने सर्कल के अंदर ताकि बहुत सारे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लैंडिंग पेज से रिलेटेड, वेबसाइट इंटरेक्टिविटी से रिलेटेड नहीं समझ में आती, क्योंकि वो एक दूसरे चैनल पर मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आपके 3 कोर वाइटल्स के ऊपर थी जो कि आप गूगल ने रिकमेंड किए हैं जो कि वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें. तो डेफिनेटली उसके बारे में मजीद उस वीडियो के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड.